हम हमेशा अच्छे वक्त का इंतजार करते रहते हैं। बचपन से ही ये आदत है हमारी। शाम होगी तो गली में आइसक्रीम वाला आएगा, और जब वो आएगा तो वक्त अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक दिन वो आना बंद कर देता है। आइसक्रीम बंद, वो अच्छा टाइम भी कहीं खो सा जाता है। लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब कोई हमसे हमारा अच्छा वक्त छीन लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चीज हमें घेरे होगी तो वो होगी टोटल डार्कनेस। आइसक्रीम वाले भैया ने आना बंद किया है, हमारे दिल ने धड़कना बंद नहीं किया। अगर हम दूसरों से ही सारी उम्मीद लगा के बैठे थे तो वो अच्छा वक्त कभी भी हमारा था ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, अच्छे दिन हमें ही लाने हैं। वी आर द सोर्स। कमजोर दूसरों पे इल्जाम लगा के अपने अच्छे वक्त के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं। दर्द मजबूत लोगों को भी होता है, मगर वो बहुत पहले दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ देते हैं। जब गाड़ी चलेगी तो वेयर एंड टियर होगा, सामूहिक निषेध, कोलेटरल डैमेज तो होगा ही होगा। मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम नॉट परफेक्ट। बस कमजोर लोग इस बात का बुरा मान के बैठ जाते हैं और पहुंचने वाले अपनी गाड़ी को परफेक्शन की तरफ मोड़ देते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है, मगर इस बात की वजह से खुद को इंप्रूव करते रहना हम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि खुशी, हैप्पीनेस अगर उस आइसक्रीम वाले के आने जाने से ही है, तो मैं खुद के लिए वो आइसक्रीम वाला क्यों ना बनूं। अगर मुझे ये पता है कि अच्छा टाइम एक अच्छे वर्कआउट के बाद मिलता ही मिलता है, तो इस बात को भुलाकर मैं वर्कआउट स्किप कैसे कर सकता हूं। हमारी ट्रू मोटिवेशन हमारे रिजल्ट्स में छुपी है। अपने घरों की दीवारों पे मेडल्स ट्रॉफीज क्यों टांगते हैं लोग? क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि ये तब अचीव कर लिया था तो ये भी अचीव कर लेंगे। लेकिन हर वर्कआउट का हमें मेडल नहीं मिलता। अकेले धूप में भाग कर आने के बाद एक मग नींबू पानी काफी है। वर्कआउट करने के बाद जो खुशी मिलती है, हमें वो खुशी याद करके अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी इज वन ऑफ द कीज टू सक्सेस। ये वर्कआउट करके मुझे दर्द होता है, मगर इसके बाद जो मुझे खुशी मिलती है, वो डिज्नीलैंड में खेलते हुए किसी बच्चे को भी आज तक नहीं मिली होगी। जहां अपने को पहुंचना है, वहां के लिए कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई, एक टूटी फूटी सीढ़ी है, उस पर चढ़कर उसकी मरम्मत करते हुए हमें ऊपर चढ़ते जाना है। मालूम है डिफिकल्ट है, मगर इम्पॉसिबल नहीं। चोट लगने के बाद जो टिश्यू उसको ढकने के लिए आता है, वो पहली वाली स्किन पहले वाले टिश्यू से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। तो जब भी हम गिरते हैं, जब भी हमें चोट लगती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो हमें सिर्फ मजबूत करने आती है। यह हमारा शरीर, हमारी बॉडी हर तरह की चुनौती सहने के लिए एकदम तैयार होती है। तैयार हमें जिसको करना है, जिसको रखना है, वो हमारा दिमाग है। इन शॉर्ट, किंगडम बनाने से पहले किंग बनना जरूरी है। आज एक मुसीबत आई है, कल दो आएंगी। हमें प्रॉब्लम मुसीबत से नहीं है, हमें प्रॉब्लम खुद की नाकामी से है। वी आर फेड अप ऑफ आवर इनएबिलिटी टू डील विद आवर प्रॉब्लम्स। और सही में जब प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो इक्के दुक्के सिपाहियों की तरह नहीं, पूरी की पूरी बटालियन में आती हैं और हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, हमें थकाकर बिठा देना। और दुख की बात यह है कि इससे पहले कि प्रॉब्लम ऐसा करे, हम खुद ही थक कर बैठ जाते हैं। ऐसा करने से प्रॉब्लम तो नहीं आती, मगर वो जाती भी नहीं है। जब उसका काम हमने ही कर दिया तो वो अपना टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास क्यों आएगी? जब पहाड़ पे चढ़ेंगे नहीं तो गिरने का डर कहां से आएगा? नदी को तैर कर पार करने की बजाय अगर किनारे पे ही बैठे रहेंगे तो डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर जो ऊपर तक पहुंचता है और जो नदी के उस पार जाकर खड़ा हो जाता है, उसके सारे सवालों का जवाब उसे पहुंचते ही मिल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पहुंचना है। हर किसी को पहुंचना है, मगर चलना किसी को सुहाता नहीं। हर किसी को आम खाने हैं, मगर पेड़ पे चढ़ना किसी को आता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं आती, मगर उनको अपनी ताकत बनाने की बजाय अपनी एक्सक्यूजेस बना के रखेंगे तो वो हमारे रास्ते की हमेशा रुकावट बनकर खड़ी रहेंगी। जो आना जरूरी है अगर वो नहीं आता तो जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। जिंदगी में चेंज चाहिए तो पहले अपने अंदर चेंज लाओ। जो गलतियां पहले करी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। क्या पता तुम्हारे गली मोहल्ले से ज्यादा उस आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम कहीं और बिक रही हो। वो आइसक्रीम बेचने नहीं, अपने घर वालों के लिए पैसा कमाने निकला है। हमारी खुशी का सबसे पहला केंद्र हम खुद होने चाहिए। वी आर द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। थिंक फास्ट, मूव फास्टर, वर्क हार्ड एंड प्ले।